Hello students, yesterday we have done the introduction of Iron Age and the comparative study of Iranian, Roman and Greek civilizations. Now today we are going to read about the Vedic civilization of ancient India. इंडिया के पुराने इंडिया की जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हम आज रीड करेंगे. ओके, नाउ द वैदिक सिविलाइजेशन. फर्स्टली वैदिक नेम केम फ्रॉम द वेदास. जो वैदिक नेम है, जो वैदिक सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, वो नेम कहाँ से लिया गया? वेदास से. सो वेद मीन्स नॉलेज. वेद आप धर्म शिक्षा में पढ़ते हैं, तो वेद जो हैं उनका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान. ठीक है, द नॉलेज कंटेंड इन वेदास इज फॉर द होल मैनकाइंड. इट इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदू और फॉर अदर रिलीजन, इट इज़ फॉर द होल मैनकाइंड. ये पूरे जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके भले के लिए है. इसमें जो भी नॉलेज वेद में लिखी गई है वो सभी लोगों की भलाई के लिए है. बिकॉज ऑफ वेदास दिस पीरियड इज नोन एज वैदिक पीरियड. क्योंकि इस टाइम पीरियड में वेद लिखे गए, इसलिए इस पीरियड को हम वैदिक पीरियड कहते हैं. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज वेदास. इस टाइम पीरियड का मेन सोर्स, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि एंशियंट टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था वैदिक पीरियड में, या किंग्स कैसे थे, या लोग कैसे रहते थे, किस तरह की कंडीशंस थी? हमें ये सब इन्फॉर्मेशन वेदास से मिली. किससे मिली? वेदास से. देयर आर फोर वेदास. हाउ मैनी वेदास? फोर वेदास. फर्स्ट वन इज ऋग्वेद. जो सबसे पहला वेद है वो ऋग्वेद है. सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद. ओके, देयर आर फोर वेदास. फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ अथर्ववेद. नाउ दिस वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये वैदिक पीरियड टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्टली ऋग्वेद, जिस टाइम पर ऋग्वेद लिखे गए थे उस टाइम पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड, या फिर उसे क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड. ओके, एंड द सेकंड इज लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वाद के बाद का पीरियड. लेटर मतलब उसके बाद का पीरियड, और इसे एक और नेम से हम कॉल करते हैं, दैट इज एपिक एज. ओके, नाउ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. इस टाइम पीरियड की हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है. ऋग्वेद में सब कुछ लिखा गया है कि किंग्स किस तरह के थे, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, जितनी भी नॉलेजेबल थिंग्स हैं वो सब हमें ऋग्वेद से मिलती हैं. और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जो बाकी तीन वेद रह गए थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद और अर्यंकास, ये भी बुक्स हैं इंडिया की, इंडिया में लिखी गई बुक्स हैं जिनसे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है. नाउ लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड. यानी कि इसमें हम दोनों पीरियड्स की बात करेंगे, ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की भी, और उसके बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था या एपिक एज थी उस टाइम की भी. ओके, नाउ इन ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि जो पहले का पीरियड था, उसमें जो किंग्स थे वो हेरिडिटरी नहीं थे. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी? हेरिडिटरी मीन्स जो किंग होता है उसके बाद उसका बेटा किंग बनता है, फिर उसके बाद उसका बेटा किंग बनता है, यानी कि किंग के आगे सन ही राजा बनते जाते हैं, उन्हीं के फैमिली में से किंग्स बनते जाते हैं. दिस इज़ हेरिडिटरी. ठीक है, तो
तो अब ऋग वैदिक पीरियड में किंगशिप हेरिडिटरी नहीं थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो पर्सन अच्छा वर्क करेगा या जिसे पब्लिक इलेक्ट करेगी वही पर्सन किंग बनेगा, ओके। और किंग्स के पास ना तो कोई कैपिटल थी, ना सिटीज, ना पैलेसेस, ना ही आर्मी, क्लियर। किंग्स डिड नॉट हैव एनी कैपिटल, सिटी, पैलेस और एनिमी आर्मी सॉरी। तो यहाँ पर किंग्स के पास कोई आर्मी भी नहीं थी कि वो दूसरे किंग पर फाइट कर सके, उसके ऊपर अटैक कर सके, ओके। सो किंग्स डिड नॉट हैव कैपिटल, सिटीज, पैलेसेस एंड आर्मीज, ओके। एंड किंग ऑल्सो डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, किंग कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता था, किसी प्रकार का भी, किसी टाइप का भी कोई टैक्स वो कलेक्ट नहीं करता था। बट इन लेटर वैदिक पीरियड इट इज जस्ट द डिफरेंट, किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। नाउ इन दिस पीरियड द सन ऑफ अ किंग बिकेम द किंग, ठीक है, किंग का बेटा ही किंग बनता था। एंड किंग्स हैड स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, किंग्स के पास बड़े बड़े और छोटे किसी भी तरह के, बहुत बड़े या बहुत छोटे उनके एरियाज भी थे, उनके किंगडम्स भी थे। किंग्स कलेक्टेड टैक्सेस, किंग्स टैक्स भी कलेक्ट करते थे। सो जस्ट द डिफरेंट, ऋग्वैदिक पीरियड में हेरिडिटरी नहीं था, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये हेरिडिटरी हो गया। ऋग्वैदिक पीरियड में कैपिटल, सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज कुछ भी नहीं थी, बट यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में दे हैड कैपिटल्स, किंगडम्स, आर्मीज, एवरीथिंग, ओके। ऋग्वैदिक पीरियड में किंग्स डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, बट इन लेटर वैदिक पीरियड दे कलेक्टेड टैक्सेस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, किंग ऑफ स्मॉल किंगडम वॉज कॉल्ड राजा। आप बहुत से टीवी सीरियल्स देखते होंगे या स्टोरीज पढ़ते होंगे जिसमें आपने पढ़ा होगा एक राजा था, एक महाराजा था, ठीक है। सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन राजा एंड महाराजा। जो स्मॉल किंगडम, जिस किंग का छोटा एरिया होता था, स्मॉल किंगडम होता था, ही वॉज कॉल्ड राजा, उसे क्या कॉल करते थे, राजा। एंड द किंग ऑफ लार्ज किंगडम वॉज कॉल्ड सम्राट और महाराजा। जिस किंग के पास बहुत बड़ा किंगडम होता था उसे सम्राट कहते थे या फिर महाराजा कहते थे, ओके। द किंग कंसल्टेड द सभा एंड समिति ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। किंग जो था वो डिसीजंस खुद नहीं लेता था। इन अर्ली वैदिक पीरियड किंग्स सारे डिसीजंस खुद नहीं लेता था, ओके। ही कंसल्टेड विद सभा एंड समिति। नाउ व्हाट इज सभा? सभा इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड एल्डर्स ऑफ विलेजेस। विलेज के, क्योंकि उसकी कोई सिटी नहीं थी, कोई कैपिटल नहीं था, तो विलेज के जो बड़े लोग थे, जो एल्डरली पर्सन्स थे, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उन लोगों को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया, जिसको क्या नेम दिया, दे नेम्ड इट सभा, ओके। और समिति क्या थी? समिति वॉज अ लार्ज असेंबली। समिति एक लार्ज ग्रुप था, ओके, जो लॉज बनाने में हेल्प करती थी, रूल बनाने में, पॉलिसी बनाने में, कि किंग को किस तरह से रूल करना है, उसे किसी रॉन्ग डीड की क्या पनिशमेंट देनी है, कोई अगर गलत काम करता है तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ओके। तो समिति इस तरह की पॉलिसीज बनाती थी, क्लियर। नाउ इन लेटर वैदिक पीरियड किंग्स वांटेड टू इंक्रीज देयर पावर। किंग्स जो थे वो पावर को इंक्रीज करना चाहते थे, ज़्यादा बड़ा किंग बनना चाहते थे। दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर एवरीवन, वो हर पर्सन पर कंट्रोल करना चाहते थे। सो दे जस्ट स्टार्टेड राजसूय यज्ञ और अश्वमेधा यज्ञ। अभी आपने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स देखे होंगे लॉकडाउन में, राइट? तो इनमें आपने देखा होगा जो लॉर्ड राम थे, ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अ अश्वमेधा यज्ञ, ओके।
इट इज़ जस्ट टू शो दैट ही वॉज द सुप्रीम किंग एंड द टेरिटरी ऑफ स्मॉल किंगडम्स वर केम टू हिज कंट्रोल. ठीक है, इसका मतलब कि जो अश्वमेघा यज्ञ किया उसमें एक हॉर्स होता था, वो जहाँ जहाँ चला जाता था वो वाला किंगडम, वो टेरिटरी जिसका वो घोड़ा था, हॉर्स था, उसके अंडर आ जाती थी. ओके, सो किंग्स परफॉर्म्ड राजसूय यज्ञ और अश्वमेधा यज्ञ टू गेन सुप्रीम पावर. सबसे ज़्यादा पावर्स पाने के लिए किंग्स राजसूय और अश्वमेधा यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया. द इंक्रीज इन द पावर ऑफ किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति. जैसे जैसे किंग्स की पावर ग्रो करती गई, इंक्रीज होती गई, जो सभा और समिति जो किंग की हेल्प करती थी, किंग को कंसल्ट करती थी हर काम में, ठीक है, उनकी पावर्स डाउन होना स्टार्ट हो गई. ओके, नाउ किंग जस्ट टुक द डिसीजंस हिमसेल्फ. ही जस्ट ही डिडंट वॉन्ट टू कंसल्ट विद एनीवन एल्स. वो किसी की बात नहीं सुनता था और वो अपनी ही मर्जी से लॉज भी बना देता था, डिसीजन भी ले लेता था. ओके, सो इट इज़ अप टू द किंग कि वो क्या डिसीजन देगा. तो सभा और समिति की जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई. द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड ग्रामीणी. पुरोहित मीन्स प्रीस्ट, जो पंडित होते हैं. ओके, मंत्री मीन्स मिनिस्टर्स, सेनानी मीन्स जो सोल्जर्स का हेड होता है, ठीक है, कमांडर जिसको बोलते हैं, एंड ग्रामीणी द हेड ऑफ द विलेज, विलेज का हेड, जैसे हम आजकल सरपंच बोलते हैं उस तरह से. ठीक है, किंग को ये सब भी उसके वर्क में असिस्ट करते थे.